हे गाइस, आज हम अपने वर्ड मीनिंग सीरीज की सेकंड लेक्चर देखेंगे। आज हम इसमें कुछ नए वर्ड्स मीनिंग सीखेंगे। सो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा लॉ, विच मीन्स कानून, ऑर्डर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट, मीन्स कीमत। नेक्स्ट है स्प्रिंग, वन ऑफ द वेदर है ना, सो स्प्रिंग कौन सा वेदर है, बसंत। नेक्स्ट है सोल्जर, विच मीन्स फौजी। नेक्स्ट है वेडिंग, विच मीन्स शादी, जिसे आप मैरिज भी कहते हैं। नेक्स्ट है इन्फेक्ट, इन्फेक्ट विच मीन्स बल्कि, लाइक हम यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में इन्फेक्ट। नेक्स्ट है क्राउड, विच मीन्स भीड़। नेक्स्ट है बर्न, विच मीन्स जलना। नेक्स्ट है एग्जैक्ट, विच मीन्स स्टीक, बिल्कुल सही या बिल्कुल ठीक, लाइक इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा या इस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा। मैसेज, विच मीन्स संदेश, जो हम डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं मैसेज। नेक्स्ट है ब्राइट, विच मीन्स चमकीला। नेक्स्ट है शाय, विच मीन्स शर्मिला, लाइक कुछ इंसान बहुत शाय होते हैं ना। नेक्स्ट है ब्लर, विच मीन्स धुंधला, लाइक कई बार हम फोटो से फ़ोन से जो पिक्चर क्लिक करते हैं वो बहुत ब्लर आती है, धुंधली आती है। नेक्स्ट है लेज़ी, विच मीन्स आलसी। नेक्स्ट है बिटर, विच मीन्स कड़वा, टेस्ट, अगर किसी चीज़ का टेस्ट कड़वा है तो आप उसको क्या बोलोगे कि उसका टेस्ट काफ़ी बिटर है। नेक्स्ट है स्कैम, विच मीन्स घोटाला। नेक्स्ट है अलाइव, विच मीन्स जिंदा। नेक्स्ट है ब्रेक, विच मीन्स तोड़ना। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई, विच मीन्स पहचानना, और रिकॉग्नाइज करना भी पहचानना ही होता है। सो इसका सिनोनिम्स के उसमें आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है अवेक, विच मीन्स जागना। नेक्स्ट है चूज, मीन्स चुनना। नेक्स्ट है फ्रीज, मतलब जमना। नेक्स्ट है स्टील, मीन्स चुराना। नेक्स्ट है थ्रेड, विच मीन्स धागा। नेक्स्ट है नीडल, विच मीन्स सुई। नेक्स्ट है बिगिन, विच मीन्स शुरू करना। नेक्स्ट है बेंड, विच मीन्स झुकना। नेक्स्ट है ग्रो, विच मीन्स बढ़ना, विकास करना। डील, विच मीन्स सौदा करना, लाइक दो लोगों के बीच में डील्स होती है, एग्रीमेंट होता है, सो इसका क्या मतलब होता है, सौदा करना। नेक्स्ट है हाइड, विच मीन्स छुपाना। नेक्स्ट है फॉल, विच मीन्स गिरना। नेक्स्ट है ट्रेड, विच मीन्स व्यापार। एंड लास्ट वन है हमारा लिसन, विच मीन्स सुनना। सो होप सो आज के सभी वर्ड मीनिंग आपको अच्छे से समझ आए होंगे, उनकी प्रोनंसिएशन अच्छे से समझ आई होगी। सो थैंक यू।